बिहार के लोगों के लिए एक खुशखबरी है, जल्द ही बिहार के लोगों को तेजस एक्सप्रेस का सौगात मिल सकता है। दशहरा से पहले स्टार्ट होने की भी संभावना है। इसकी स्पीड 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर होगा। ये मालदा, भागलपुर, जमालपुर, चूर होते हुए अगरतला से आनंद विहार तक जाएगी। हालांकि ये प्रस्तावित है, लेकिन ऐसी खबर है कि दशहरा से पहले ये बिहार को एक नई सौगात के तौर पर मिल सकता है। भागलपुर, बांका, मुंगेर और अन्य जो जिले के लोग हैं इसका लुत्फ उठा पाएंगे। और क्या कुछ है इसमें खास आपको बताते हैं। तेजस राजधानी एक्सप्रेस अपने आप में बेहद खास होता है, ये प्रीमियर सफर के लिए जाना जाता है। इसी बीच बिहार को एक शानदार तेजस एक्सप्रेस का सौगात जल्द ही मिलने वाला है। अभी राजधानी एक्सप्रेस बिहार के कई जिलों से होकर गुजरती है, जो कि एक प्रीमियम ट्रेन है, लेकिन अब जल्द ही आपको राजधानी एक्सप्रेस की तरह ही तेजस राजधानी एक्सप्रेस का सौगात बिहार को जल्द ही मिल जाएगा। यह राजधानी तेजस एक्सप्रेस बिहार के मालदा, भागलपुर, जमालपुर, किऊल, पटना के रास्ते अगरतला से आनंद विहार टर्मिनल तक चलाई जा सकती है। हालांकि अभी तक यह सिर्फ प्रस्तावित ही है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि भागलपुर, बांका, मुंगेर और लखीसराय जिला के यात्री जो हैं वो राजधानी एक्सप्रेस का सफ़र कर सकेंगे। इस राजधानी तेजस एक्सप्रेस को चलाने को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस ट्रेन की समय सारणी को जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है ट्रेन नंबर 20501 और 20502 अगरतला से आनंद विहार टर्मिनल, जो कि साप्ताहिक ट्रेन है। राजधानी एक्सप्रेस अक्टूबर से पहले चलेगी। रॉन्त नॉर्थ फ्रंटियर और मालदा रेल मंडल ने 3 माह पहले ही ट्रेन की समय सारणी जारी कर दी है। इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मालदा से, भागलपुर से जमालपुर के रूट पर इस ट्रेन का ठहराव होगा, जिसके बाद यह साहिबगंज और भागलपुर के बाद जमालपुर में इसका ठहराव हो सकता है। बताया जा रहा है जमालपुर के बाद राजधानी एक्सप्रेस का पटना जंक्शन रुकेगी। पटना जंक्शन के बाद आनंद विहार टर्मिनल के बीच इसका ठहराव होगा। तो बिहार वासियों के लिए एक अच्छी सौगात है, तेजस एक्सप्रेस जल्द ही मिलने वाला है और इसकी स्पीड जो है वो भी 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा से जो है वो ऊपर होगा। दशहरा से पहले इसकी शुरुआत होने की भी संभावना है। आप देखते रहें NBC 24, हम आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।